हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए के कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर विथ के कुशवाहा। वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 9th की इंग्लिश लिटरेचर का टेक्स्ट बुक पढ़ने जा रहे हैं। ये है बीहाइव, मधुमक्खी का छत्ता, जो ये न्यू सिलेबस सेशन 2020 एंड 2021 के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। उसका ये फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, जिसे लिखा है आइजैक असिमोव ने। एक अमेरिकी लेखक थे आप, आइजैक असिमोव एक अमेरिकी लेखक थे और बोस्टन विश्वविद्यालय में जैव रसायन के प्रोफेसर भी थे। और ये जो इन्होंने लिखा है कहानी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह फ्यूचर टेंस में सेट है। जब स्कूल किताबें, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अस्तित्व में हैं, किंतु आने वाले दिनों में ये नहीं होगा। और जब ये टीचर्स, जैसे अभी चल रहे हैं, टीचर हैं, स्कूल्स हैं, बुक्स हैं, और जब ये चीज़ें नहीं होंगी अस्तित्व में, तब बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे। नीचे ये कुछ डायग्राम दिया गया है आपके लिए, जो आप सोच सकते हैं, जो एक कुछ आइडिया प्रदान करेगा आपके लिए कि तब बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे। आइए शुरू करें आज का ये चैप्टर द फन दे हैड। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इसके विषय में अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो 17 मई 2157 अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा, आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली। ऑन द पेज हेडेड मीन्स शीर्षांकित पृष्ठ। तो शीर्षांकित पृष्ठ पर 17 मई को इतने पेज पर, यानी 2157 पेज पर उसने लिखा। क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को वास्तव में एक पुस्तक मिली, या सचमुच की पुस्तक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जिस ग्रैंड फादर वंस सेड दैट, मार्जी के दादा ने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वे एक छोटे लड़के थे। कौन? मार्जी के दादा जब एक छोटे लड़के थे, तो हिज ग्रैंड फादर, यानी मार्जी के दादा टोल्ड हिम दैट, उन्हें बताया था। मार्जी के दादा ने मार्जी के दादा से बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय हुआ करता था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी की सारी कहानियां पेपर पर छपा करती थी, कागज पर छपा करती थी। दे टर्नड द पेजेस, लोग पेज पलटते थे, उन्होंने पेज पलटे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले तथा मुड़े तुड़े थे। क्रिंकली मीन्स मुड़े तुड़े, सिलवटें पड़ जाना, और येलो मीन्स पीला, तो जो पीले पड़ गए थे, पुराने हो गए थे, मुड़े तुड़े थे। एंड इट वॉज आफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और उन शब्दों को, जिनको आप जानते हो, जो कि स्क्रीन पर उसमें उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता है,
तो पढ़ना बड़ा अजीब था। एंड इट वॉज आफुली फनी टू रीड, कहा बहुत ही अजीब था। आफुली टू रीड, टू रीड पढ़ना, पढ़ना बड़ा अजीब था। वर्ड शब्दों को दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ, जो अभी भी वहाँ थे, इंस्टीड ऑफ के स्थान पर, मूविंग द वे दे वर सपोज टू, कि जो स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं चलता रहता है, यू नो आप जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और तब जब वे उस पेज पर पहुँचे तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो उस पर वे भी शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। इट हैड द सेम वर्ड्स, उस पेज पर भी वही वर्ड थे, दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जिसको वे पहली बार पढ़े थे। जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, सिर टॉमी, टॉमी ने कहा, अरे व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है। टॉमी ने कहा, अरे कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू द विथ द बुक, जब आप पुस्तक पूरी तरह से पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, कहा आई गेस मैं समझता हूं, तब आप इसे फेंक देते हो। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविजन की स्क्रीन पर तो लाखों पुस्तकें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और कहीं ज्यादा भी आ सकती हैं। इट वुडंट थ्रो इट अवे, तो मैं तो इसे नहीं फेंकता हूं। सेम विथ माइन, सेड मार्जी, मार्जी ने कहा कि मैं भी नहीं फेंकती। टॉमी ने कहा कि मैं नहीं फेंकता हूँ, तो मार्जी ने कहा कि मैं भी नहीं फेंकती। वही शिवाज 11, वही 11 वर्ष की थी। एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड, वही 11 वर्ष की थी, और उसने उतनी पुस्तकें टेली बुक नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने इसे कहाँ से पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में, अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे, बिना देखे उसने पॉइंटेड किया, संकेत किया कि अपने घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त व्यस्त था, इसलिए बिना देखे उसने संकेत कर दिया कि अपने घर में। तो बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द अटिक, अटिक मीन्स दुछत्ती, दुछत्ती का मतलब ये आप कह लीजिए कि पटहुन, पहले बनाया करते थे लोग मिट्टी के घर, मतलब एक छत छोटा, फिर उसके ऊपर छोटा छत, बीच में कुछ जगह हो, वही दो छत्ती में बैठा, पढ़ने में व्यस्त था, इसलिए उसने बिना देखे कह दिया कि घर में। शी सेड, उसने कहा, ये व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है। स्कूल के, टॉमी ने कहा, स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी थी, स्कॉर्नफुल डिसरिस्पेक्टफुल, तिरस्कार से भरी थी। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल्स, तिरस्कार से भरी थी, कहा स्कूल्स, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल्स, स्कूल के विषय में लिखने को क्या है। आई हेट स्कूल, कहा मुझे स्कूल से नफरत है, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा घृणा करने लगी थी।
द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, परीक्षा पर परीक्षा। यांत्रिकी अध्यापक यानी कंप्यूटर का यंत्र जो है वही अध्यापक, रोबोट टाइप का, उसे परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था भूगोल में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब पर खराब किए जा रही थी, खराब से और अधिक खराब किए जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेक इन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाया। सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड फॉर, बुलवाया, पुकारा, बुलवाया इसको काउंटी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक को। ही वाज, अब यहाँ इस पैराग्राफ में ये जो क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवाया गया है उनके बारे में लेखक परिचय देगा। ही वॉज अराउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल, राउंड लिटिल मैन, लिटिल नाटा मैन व्यक्ति, वह लाल चेहरे वाला, रेड फेस है ना, रेड फेस मीन्स लाल चेहरे वाला, वह लाल चेहरे वाला, राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस, वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था, कद में छोटा व्यक्ति था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास औजारों, डायलों तथा तारों से भरा एक बॉक्स था, बक्सा था। वायर्स मीन्स तार होता है। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर हंसा। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, और तब उसने यानी क्षेत्रीय निरीक्षक ने टूक द टीचर अपार्ट, अध्यापक को एक ओर ले गया, वो जो रोबोट टाइप का अध्यापक था यानी यांत्रिकी अध्यापक था, उसको एक साइड में ले गया, एक ओर ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी को ये उम्मीद थी, आशा थी कि वह इसे पुनः जोड़ना नहीं जानता होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर उसने सब कुछ ठीक कर दिया, उसको सब कुछ ठीक करना आता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और करीब एक घंटे बाद, एंड आफ्टर एन आवर और सो, और सो का मतलब लगभग, लगभग एक घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, यह फिर से आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्ट। तो एक घंटे के बाद आ गया, या फिर से विशाल, लार्ज विशाल, एंड ब्लैक और काला, एंड अगली और कुरूप, तो या फिर से विशाल और काला और कुरूप हो गया, बदसूरत हो गया। विथ अ बिग स्क्रीन, विशाल स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सुन, जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाजंट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था। दैट वाजंट सो बैड, वह इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह था वह खांचा जिसमें उसे गृह कार्य तथा परीक्षा प्रश्न पत्र डालने होते थे।
द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, वह भाग जिससे मार्जी बहुत घृणा करती थी, सबसे अधिक घृणा करती थी, वाज द स्लॉट, वह एक स्लॉट था, वेयर शी हैड टू पुट, जहां उसको डालना था होमवर्क, उस स्लॉट में होमवर्क डालना था। दैट वाजंट सो बैड, जो इतना ख़राब नहीं था। अच्छा, होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, होमवर्क डालना था और टेस्ट पेपर्स डालना था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। उसे उन्हें, यानी गृह कार्य को और ये जो प्रश्न पत्र थे, इन सब को मार्जी को पंचकोड में लिखना होता था। पंचकोड दे मेड हर लर्न, जो उसे सिखाया गया था, किसे? मार्जी को सिखाया गया था। कब? व्हेन शी वाज 6 years old, जब वह 6 साल की थी, तो उसे पंचकोड जो सिखाया गया था उसमें लिखना होता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और वह यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए, यानी बड़ी शीघ्रता से, इन नो टाइम्स मीन्स एट वंस, शीघ्र ही, तो बिना समय लिए हुए या शीघ्रता से उसने कैलकुलेशन कर दिया, गणना कर दिया, अंकों की गणना कर दिया, कितने सही कितने गलत कितने अंक मिले दे दिया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, तो जब उसने कार्य फिनिश कर लिया, पूरा कर लिया, तो वह मुस्कुराया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, उस मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने कार्य समाप्त कर लिया। एंड पैटेड मीन्स थपथपाया मार्जी हेड, और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, यानी क्षेत्रीय निरीक्षक ने मार्जी के माँ से कहा, क्या कहा? इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की की फॉल्ट नहीं है, कमी नहीं है, इसका दोष नहीं है। मिसेज जोन्स, कहा श्रीमती जोन्स, यह छोटी लड़की का दोष नहीं है, फॉल्ट मिस दोष बुराई। कहा आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गेयर्ड अ लिटिल टू किक, कहा मैं समझता हूँ, मेरे विचार से, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर, भूगोल का क्षेत्र, ज्योग्राफी मिस भूगोल, सेक्टर मिस क्षेत्र, भूगोल का क्षेत्र, गेयर्ड अ लिटिल टू किक, कुछ जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था, यानी शीघ्रता से व्यवस्थित कर दिया गया था, स्पीड बढ़ा दी गई थी कुल मिलाकर, तो इस वजह से ये मिस्टेक हो जाती थी, गलती हो जाती थी, उसके आंसर रॉन्ग हो जाते थे। तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कहा कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको धीमा कर दिया है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसे धीमा करके 10 साल के बच्चे के स्तर का कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. कहा कुल मिलाकर, overall, कुल मिलाकर, overall means कुल मिलाकर, her progress, उसकी प्रगति, is quite means बिल्कुल, satisfactory means संतोषजनक। कहा कुल मिलाकर उसकी प्रगति संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के सिर को पुनः थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी हताश थी, निराश थी, परेशान थी, बड़ी उदास थी, डिसअपॉइंटेड, निराश थी, हताश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे आल टुगेदर, उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे। All together means completely, पूरी तरह से। She had been hoping, वह उम्मीद कर रही थी, they would take the teacher away all together, कि वे टीचर को हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए दूर ले जाएंगे।
दे हैड वंस टेकन टॉम्स टीचर अवे, एक बार वे टॉमीज टीचर टॉमी के अध्यापक को दूर ले गए थे, अवे ले गए थे, दूर ले गए थे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग एक माह के लिए। एक बार वे टॉमी के टीचर को लगभग एक माह के लिए दूर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र, सेक्टर में क्षेत्र, हिस्ट्री में इतिहास, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र हैड ब्लैंक्ड आउट मीन्स एम्प्टी, खाली हो चुका था, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र खाली हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड, यानी मार्जी कह रही है टॉमी से, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो ये सब वजह थी, इसीलिए मार्जी ने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी विद्यालय के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उस पर अति श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली, श्रेष्ठता भरी नज़रों से देखा। सुपीरियर मीन्स श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठता भरी नज़रों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, कहा, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, स्टूपिड मीन्स मूर्ख, कहा, मूर्ख, क्योंकि यह हम लोगों की तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह तो पुराने प्रकार का विद्यालय है, पुराने ढंग का विद्यालय है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जिसको लोग सैकड़ों सैकड़ों साल पहले देखा करते थे, ये सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, तो लॉफ्टली मीन्स श्रेष्ठता से, तो उसने शब्दों को बड़ी सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए, प्रोनाउंसिंग उच्चारित करना, द वर्ड्स केयरफुली, शब्दों को उच्चारित करना, शब्दों को बड़ी सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए क्या कहा, कैसे कहा, लॉफ्टली श्रेष्ठता से कहा, कहा, शताब्दियों पहले, सेंचुरी जगो शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को ठेस पहुंची, दुख हुआ, उसके दिल को ठेस पहुंची। कहा, वेल, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, मैं नहीं जानती कि किस तरह के विद्यालय हुआ करते थे। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, तो कुछ समय तक तो उसने, यानी मार्जी ने, टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ा। देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, कहा कि जो भी हो उनका एक अध्यापक होता था, उनके पास एक अध्यापक होता था। सियो, दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनके पास अध्यापक होता था, एक अध्यापक होता था। बट इट वाजेंट अ रेगुलर टीचर, किंतु वह नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज अ मैन, वह व्यक्ति होता था। अ मैन, व्यक्ति, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है। चूंकि आप जानते हो कि ये कहानी भविष्य में को दृष्टिगत रखते हुए लिखी गई है, तो आज के आने वाले कुछ 50 वर्षों बाद ऐसा बच्चे आश्चर्य करेंगे जैसा ये आश्चर्य कर रही है, कि क्या, कि व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, जब कंप्यूटर से ही बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे आगे चलकर। कहा, वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड
द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। अच्छा, तो वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, बातें बताया करता था। क्या बताता था? टोल्ड बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, चीज़ों को बताया करता था, बातें बताया करता था। एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क दिया करता था, गृह कार्य दिया करता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करता था। अ मैन एजेंट स्मार्ट इनफ, कहा कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता। सो ही इज, निश्चित रूप से होता है। माई फादर नोस एज मच एज माई टीचर, कहा मेरे पिता उतना जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। He knows almost as much I बेचा, कहा लगी शर्त वे उतना ही जानते हैं जितना लगभग लगभग मेरे अध्यापक, मेरे अध्यापक जितना जानते हैं लगभग लगभग मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं। आई बेचा, कहा लगी शर्त, कहा कॉन्फिडेंटली, पूर्ण विश्वास के साथ कहा। मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, तो मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। डिस्प्यूट मीन्स तो ऐसे झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ डिस्कशन, बहस करने के लिए आया है। शी सेड, उसने कहा आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कहा मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। यू आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज मैन अजनबी व्यक्ति, इन माई हाउस टू टीच मी, कहा मैं नहीं चाहूँगी कि अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, स्क्रीम्ड मीन्स चीख पड़ा। ठहाके की हंसी के मारे टॉमी चीख पड़ा, यानी ठहाका मारकर हंसने लगा। यू डोंट नो मच माजी, कहा मार्जी तुम ज्यादा नहीं जानती हो, तुम्हें पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक विशेष प्रकार का भवन होता था और सारे बच्चे उसी भवन में जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे क्या एक ही चीज पढ़ा करते थे? मार्जी ने पूछा कि सारे बच्चे क्या एक ही चीज पढ़ा करते थे? सो इफ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो एक ही चीज पढ़ा करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, कहा किंतु मेरी माता जी कहती हैं, बट माई मदर सेज, किंतु मेरी माँ कहती है अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक अध्यापक को सामंजस्य बनाना पड़ता है। अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, तो प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार अध्यापक को सामंजस्य बिठाना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और यह कि हर बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, इसी प्रकार वे
तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने शीघ्रता से कहा, बड़ी जल्दी कहा, मैंने यह तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। कुल मिलाकर मार्जी पढ़ना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह विचित्र विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड इवन मार्जिस मदर कार्ड, तो उन्होंने आधी भी किताब समाप्त नहीं की थी कि मार्जी की माता जी ने पुकारा। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, तो आधा भी फिनिश नहीं किया था, पूरा नहीं किया था, पढ़ा नहीं था। When, जब मार्जिस मदर कार्ड, मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी स्कूल, मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं माँ। नाउ सेड मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स ने कहा, श्रीमती जोन्स ने कहा, अब एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, अब और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ। कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कहा आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, छुट्टी के बाद, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ। मे बी संभवतया, शायद, ही सेड नॉन चैलेंटली, बड़ी उदासीनता से उसने कहा, संभवतया। ही वॉक्ड अवे व्हिसलिंग, सीटी बजाते हुए वह चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, तो धूल से युक्त पुरानी पुस्तक को टक्ड मीन्स पुश्ड, दबाना, बीनीथ हिज आर्म, अपनी बाहों में दबाए, तो धूल से युक्त पुरानी पुस्तक को अपने बाह में दबाए सीटी बजाते वह टॉमी चला गया। मार्जी वेंट इन टू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वह उसके शयन कक्ष, बेडरूम के सामने ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो यांत्रिक अध्यापक था वह चल रहा था तथा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, तो कहा कि शनिवार और रविवार के अतिरिक्त यह हमेशा प्रतिदिन इसी समय खुला रहता था, उसी समय से। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ सीखती हैं, ज़्यादा अच्छे ढंग से सीखती हैं, इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित समय पर पढ़ती हैं तो। द स्क्रीन वॉज लाइट अप, स्क्रीन चमक रही थी, एंड इट सेड, स्क्रीन चमक रही थी और इसने कहा, क्या कहा, स्क्रीन पर आवाज़ आई, क्या आई, टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्रॉपर मीन्स उचित, फ्रैक्शंस मीन्स भिन्न, एडिशन मीन्स जोड़,
तो आज अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर आधारित है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल के गृह कार्य को उचित खाँचे में डालें। स्लॉट मिस खाँचा। मार्जी डिड सो विथ अ साई। तो मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया। साई मिस आह भरना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। तो वह उन पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बालक थे, छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। तो पूरे ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे पड़ोस के बच्चे, पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे। और कैसे आया करते थे? हंसते खिलखिलाते कहाँ आया करते थे? विद्यालय के आंगन में, प्रांगण में हंसते चिल्लाते आते थे विद्यालय का। फिर क्या करते थे? ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। स्कूल यार्ड मीन्स विद्यालय प्रांगण। तो सारे पड़ोस के बच्चे हंसते हुए चिल्लाते हुए विद्यालय प्रांगण में आते थे। सीटिंग टुगेदर साथ साथ बैठते थे। सीटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम कक्षा में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर साथ साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे दिन के समाप्त होने पर, यानी दिन भर पढ़ने के बाद शाम को घर जाते थे साथ साथ। दे लर्न द सेम थिंग्स वे एक ही चीज सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन एंड अदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट। तो इसलिए वे सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे गृह कार्य के को करने में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और जो अध्यापक हुआ करते थे वे लोग हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। यांत्रिकी अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, तो जब हम भिन्न 1/2 तथा 1/4, आगे डॉट डॉट है कुछ होगा, आगे कहा होगा कि जोड़ रहे थे या घटा रहे थे। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, तो मार्जी सोच रही थी हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। क्या क्या सोच रही थी मार्जी? सोच रही थी कि वे पुराने दिनों में बच्चों वो पुराने दिन, पुराना समय बच्चों को कैसा लगता रहा होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता रहा होगा स्कूल में, बच्चों के साथ, अपने इंसानी अध्यापक के साथ उन्हें कितना मज़ा आता रहा होगा, ऐसा सोच रही थी। प्यारे बच्चों, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा और आप पसंद करोगे। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।